नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी कब है। तो पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस बार यह व्रत 19 मई को रखा जाएगा। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 18 मई को प्रातः 11:23 पर आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 19 मई रविवार को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की उपासना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया था। यह व्रत सब प्रकार से दुखों का निवारण करने वाला है, सब पापों को हरने वाला व्रतों में से उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम एवं विष्णु जी की मोहिनी स्वरूप का पूजन अर्चन किया जाता है। जहां तक मोहिनी एकादशी की पूजा विधि का सवाल है तो आपको बता दें, एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्योदय को जल और अर्घ देना चाहिए। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का मन में ध्यान करते हुए रोली और पीले चंदन, अच्छत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु को पूजा करनी चाहिए और रूप दीप से श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन भक्तों को पर निंदा, छल, कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखकर एवं भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। इससे उन्हें बहुत लाभ मिलता है और इस एकादशी तिथि का पूरा फल प्राप्त होता है। जिन लोगों के शादीशुदा लाइफ में मधुरता की कमी है, उन्हें वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। अब बात भगवान के मोहिनी रूप की। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु की का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र में अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वे भगवान विष्णु इसी स्वरूप में प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने रखा था और इस व्रत के प्रभाव से वे विजय श्री को प्राप्त किए थे। तो ये थी मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक विशेष जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।